नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई अब सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। दूर दराज से लोग इस आशा के साथ मुख्यालय पहुंचते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों के मामले को संज्ञान में आने पर उनका निराकरण हो जाएगा, लेकिन जनसुनवाई में जांच के बाद जांच का ही आश्वासन मिलता रहता है। जांच भी उन्हीं अधिकारियों के पास पहुंचती है जिनकी शिकायत पीड़ित वरिष्ठ अधिकारियों से करते हैं। ज्यादातर मामलों में स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करना, मारपीट, जमीन जायदाद के मामलों को लेकर लोग पहुंचते हैं। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे लोगों से जब हमने बात की तो किसी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में टक्कर हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, दूसरे को गंभीर चोटें पहुंची, लेकिन पुलिस ने मार्ग कायम कर खानापूर्ति कर लिया। घायल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जबा थाना क्षेत्र के जनकहाई से पहुंचे पीड़ित ने बताया कि वह दूसरे राज्य में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। गांव के लोगों ने उसकी पत्नी को ही बहला फुसला कर भगा ले गए। पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही है। पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित ने बताया कि लोगों ने उसे पागल तक घोषित कर दिया है। 181 में भी शिकायत किया, लेकिन उसे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा। आइए सुनाते हैं दूर दराज से आने वालों ने अपनी समस्याओं को लेकर क्या कहा। इसकी बात है, मेरा बच्चा और मेरा भतीजा संदीप साकेत बेड़ा गए थे। बेड़ा से वापस आ रही थी तो रास्ते में ट्रैक्टर वाला उनको जानबूझ के ठोक दिया। गिर गए दोनों लोग। फिर गिरने के बाद ट्रैक्टर वाला खड़ा करके उन दोनों को जानबूझ के क्यों ठोका? विवाद रहा ना पहले। क्या विवाद था? विवाद थोड़ा हुआ था बच्चे लोगों से। वापस आए तो रास्ते मिल गए तो उसको जानबूझ के। कहाँ के रहने वाले हैं वो? हम ग्राम कोल्हाड़ के हैं, ट्रैक्टर वाला ग्राम कछवारा भीड़ा का। क्या नाम है उनका जिन्होंने ठोका है? उसका नाम है विपुल, पिताजी का नाम है लल्लू। ठीक है, ये बढ़िया, ठीक है ना। घटना यह हो गया, खाने का माने गए थे, एसपी कलेक्टर लोग रहे, मेहरिया का मरवा डरे, घर द्वार हमारी भी नहीं मिली आज तक। मैं बट किला है, आज तक सुनवाई हमारी नहीं गई है। ये काम देखता हूँ आज मर गया, इसकी जवाबदार कौन है? इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? यानी एसपी की किया तो कलेक्टर के दिए, पूरे दिए, मेरे पास कागज हैं, ये तहसीलदार का बताना, सीएम का बताना, यूपी साहब का बताए, साहब हमारे साथ में ये घटना हुआ, आज तक तुम सुनवाई नहीं की है, पागल घोषित बनाए हैं, साथ खाए भी ना मरता हूँ। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र दुबे। सब बताए जा। बहुत लोग जो है ये ब्रिज कुमार वगैरह गुंडा लगा के मरवाए हैं, रिपोर्ट करने गए थे, खेत बोने जा रहे थे तो रिपोर्ट करने गए तो रिपोर्ट किए, रिपोर्ट के लौट रहे थे तो ब्रिज कुमार का लड़का सोनू और श्रीनिवास गुंडे लगा के जो है हम लोगों को। किस कारण से मारपीट की गई? रास्ते के लिए। रास्ते के लिए वो रास्ता एसडीएम तहसीलदार द्वारा जो है दिया गया है सर, और अपर कलेक्टर के यहाँ जीत हुई है, लेकिन अभी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देशमुख पांडे रीडर है एसडीएम के, तो वो जो है एसडीओ के, तो वो जो है मतलब फोन कर देते हैं, कोई काम नहीं होता। श्रीमान जी कहाँ के हैं ये लोग? ये लोग देशमुख पांडे हैं नगमा के, और वो एसडीओ के जो है रीडर है। एसडीएम एसडीओ एसडीओपी डभौरा के लीडर काम नहीं होने दे। सर बहुत परेशान हूँ सर, कृपा करके कुछ हो मतलब। और यहाँ मारे कौन मारा है? सतानंद और उमेश कुमार शुक्ला। किस कारण से? रास्ते के लिए रास्ता नहीं करने दे रहे थे, लोगों लोग रास्ते में बारी फेंक दिए थे, उसको हटा रहे थे, इसके लिए मारे। कहाँ के रहने वाले हैं? जनकहाई कला। थाने में FIR करने गए तो जैसा जैसा बोले वैसा नहीं थे, अलग अलग। वहाँ रास्ते को लेकर मारपीट की गई है? रास्ते को लेकर, और फिर एक बार जब FIR करके लौट रहे थे तो दोबारा फिर छेड़ के 10-15 लोग बुलाते हो।
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।